देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रेड स्नेक धवन मेजरी के साथ है। देख सकते हैं किस तरीके से बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसका हम कैसे रेस्क्यू करते हैं, हमारे साथ में जुड़े रहिए। काफी कंजेस्टेड जगह है। धवन प्रजाति का सांप रेड स्नेक कहा जाता है। किस तरीके से घर में छुपा हुआ है। किसने देखा था, आप क्या करने गए थे उस तरफ? बाहर निकले नारे हरिओम ये
जैसा तक छेड़ो नहीं बैठा तो कहीं नहीं करे और देखते ही भाग जाता है। अरे वो दिन और उठी आयो उठी आयो नरे नहीं आप खरी और ये पाँचा पे खा ले किदा और आंखे माई जो मारे जो कोई दो करो मारा के नहीं आयो ठीक है मां मारे ने कहीं देनी है मीना ये दौड़ रहा है। हेलो दोस्तों, ये अभी हमने रेड स्नेक धमन प्रजाति के सांप का रेस्क्यू किया था। अब मैं इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ने आया हूँ। उससे पहले वन विभाग के जो वन रक्षक है उनको बता देता हूँ कि कौन सा सांप पकड़ा और किस तरीके का सांप है, वही डिसाइड करेंगे हमें इस सांप को कौन से वाले जंगल में छोड़ना है। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और आपको आप हमारी वीडियो स्पेशल तौर से अभी वाले वीडियो देखिए और देखिए पर्यावरण कैसा है। ये राजसमंद पिपड़ा गाँव की एक नर्सरी है, नर्सरी मतलब जहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ की हरियाली कितनी भी तप तपाती गर्मी में अगर आप आओगे इस फाटक से, जैसे आप अंदर एंट्री करोगे तो आपको लगेगा अक्टूबर नवंबर का महीना, इतनी ठंडक है। ठंडक की और ठंडक के कारण है ये पेड़ पौधे। और आप आज आपको इसका व्यू दिखाता हूँ पूरी नर्सरी का। अगर आप देखोगे तो ये इसको ये एक हिसाब से कहा जा सकता है राजसमंद का ऊटी। ऊटी में किस प्रकार से जंगल है उस तरीके उतना भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप देखिए इस व्यू को देखिए। हमारे साथ में जुड़े रहिए, आइए मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों कितनी हरियाली है यहाँ पर, बहुत विशाला राजसमंद। देखिए यहाँ पे ये पेड़ पौधे बन रहे हैं। आप देख सकते हैं और हमारे साथ में वन रक्षक नहीं खोला था, नहीं खोला था। रुक्मणी जी मीणा हमारे साथ में मौजूद है। अब ये डिसाइड करेंगे इस सांप को हमें कहाँ छोड़ना है। और आप देख सकते हैं आपको नर्सरी का नज़ारा बताया मैडम की काफ़ी मेहनत है। और कितने सालों से मैडम आप इस नर्सरी में? 4-5 साल हो चुके हैं। उसके बाद में मैडम सुबह से लेकर शाम तक उनकी पूरी मैडम की टीम है। आप सब इधर है जी वाला कोई नहीं आप देख सकते हैं। ये सभी इन सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहेंगे, इनकी वजह से आज पूरे राजसमंद जिले में ये पौधारोपण जो भी हो रहा है ये सब इनकी मेहनत का ही नतीजा है। एक बार इन सब के लिए धन्यवाद। और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं पिपड़ा नर्सरी का। ये आपने देखा अभी हमने रेड स्नेक धमन प्रजाति के सांप का रेस्क्यू किया था, उसके बाद इसको नर्सरी में लेके गए थे। अब
रुक्मणी मैडम ने जिस प्रकार से हमको बताया उस प्रकार से हम उन्होंने जो पॉइंट बताया उस जंगल में हम आ चुके हैं। पहले सांप को सफ़ेद थैली में था, उस थैली थोड़ी कमजोर थी, वो थैली फट चुकी थी, तो हमारे पास एक्स्ट्रा थैली थी, उस थैली के अंदर ले लिया है। अब इस धामन सांप को मैं सुरक्षित जंगल में, अब इस धामन सांप को मेरे टीम मेंबर राजेश सालवी छोड़ेंगे। इस काफ़ी अच्छा वातावरण है और राजेश सालवी के द्वारा इस धामन सांप को छोड़ा जाएगा। वीडियो में बने रहिए। ये देख सकते हैं राजेश सालवी इस धामन सांप को छोड़ रहे हैं। ये देखिए धामन सांप जा रहा है। काफ़ी अच्छा वातावरण है और काफ़ी अच्छा जंगल है, काफ़ी चट्टाने हैं। ये सांप के लिए काफ़ी अच्छा जंगल माना गया है। ये देख सकते हैं आप, देखिए बिल में जगह है।